आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज साइक्लोपेंटेन डाइनाइल इज, तो हमें बताना है कि साइक्लोपेंटेन डाइनाइल जो है वो उसका किस तरह का बिहेवियर है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो क्योंकि पेंट वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब हमारी फाइव मेंबर्ड रिंग है, राइट? तो अगर हम एक फाइव मेंबर कार्बन की रिंग बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब लिखा है डाइईन, तो डाइईन का मतलब है कि इसके पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे एंड देन इट इज़ रिटन एनायन, राइट? तो हमारा एक जो कार्बन बचा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या फिर लोन पेयर प्रेजेंट है। हमसे पूछा है इसका बिहेवियर क्या होगा। तो अगर हम देखें, हमारा ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में है विद दिस डबल बॉन्ड एंड ना दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। तो अगर हम इस लोन पेयर को डबल बॉन्ड बनाएं तो हमारा ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस रिंग का इस तरीके से बनेगा। नाउ अगेन दिस नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट? एंड नाउ फाइनली दिस नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड विल फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, ये होगा हमारा नेगेटिव चार्ज एंड अगेन दिस नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड विल फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरीके से होगा कि हमारे डबल बॉन्ड्स यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे। अब हमारा ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। सो वी हैव फाइनली गॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच वी हैव स्टार्टेड विद। तो ये जो होंगे वो हमारे कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे फॉर साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन, राइट? तो हमें क्या है कि इस साइक्लोपेंटा डाइनाइल में हमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिली कि यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज, राइट? अब क्या है कि ये जो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है कि हमारे हर एक कार्बन की जो ऑर्बिटल्स होंगी वो सेम फेज और हमारी सेम सिमेट्री में प्रेजेंट है, राइट? तो हमारी जो ऑर्बिटल्स हैं कार्बन की वो कम्प्लीटली ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के साथ ताकि हमारा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो सके, राइट? और क्या है कि अगर हम इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करें तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड के, दो इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड के और हमारा ये जो हुए वो दो इलेक्ट्रॉन्स इस लोन पेयर के, टोटल हुआ हमारे पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ बेसिकली फोर प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू वन लें तो हमारा फोर प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हमारा एरोमेटिक बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। तो कहने का मतलब है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो एनायन होगा वो क्योंकि उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, उसकी ऑर्बिटल्स जो हैं कार्बन की कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं विद प्रॉपर सिमेट्री और हमारे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, तो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन जो है वो एरोमेटिक होना चाहिए। और क्योंकि इसकी ऑर्बिटल्स जो हैं वो कम्प्लीटली ओवरलैप कर रही हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे सारे कार्बन एटम्स जो होंगे वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट हों, राइट? तो एक ही प्लेन में अगर ये सारे कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे तो हमारा ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर भी होगा। सो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन इज एरोमेटिक एंड प्लेनर। सो ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।